नमस्कार, स्वागत आप सभी का बजारों के सितारे में। मैं आपके साथ अखिलेश शाडी बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज का राशिफल। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको बता दूं, आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके द्वारा आप लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। जैसे अब ओमिक्रॉन आ गया है, किसी को नहीं पता लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, बिजनेसेस चलेंगे नहीं चलेंगे, दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तो ऐसे में पैसों की कमी को पूरा करने के लिए आ गई है एक ऐसी ऐप जिससे आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस, MYMYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस। ये एक ई कॉमर्स ऐप है जिसमें आप फ्री में बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के, बिना कोई कंपनी रजिस्टर कराए, बिना कोई फीस दिए, फ्री में आप इस पर अपना सामान बेच सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम कुछ अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई गृहिणी है और घर से बैठे बैठे काम करना चाह रही है, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रही है, तो आपके लिए आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। करना आपको बस इतना छोटा सा काम है, फटाक से फ़ोन उठाना है, माई बिग प्ले स्टोर पर जाना है, माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करना है और इस पर अपना एक स्टोर बना लेना है। आप जो भी सामान बेचना चाह रहे हैं उसका स्टोर बनाना है, अपने प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं, स्टोर लाइव होते ही आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। पहली एक ऐसी ऐप है जिसमें आप बिना किसी कंपनी रजिस्टर कराए, बिना एक रुपये खर्च करे आप घर से बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, तो जल्दी करिए और डाउनलोड करिए माई बिग ब्लिस ऐप को। शुरुआत कर लेते हैं बाजारों के सितारे में आज के राशिफल से। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम के। आज दिसंबर सन 2021, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मैं कर्नल अजय सीओ अजय गुरु आपसे मुखातिब होता हूँ। दोस्तों, इससे पहले फौजी भी हूँ और भारतीय ना केवल भारतीय फौज के लिए आज एक सबसे बड़ा दिन माना जाता है। आज के दिन 16 दिसंबर सन 1971 को वह एक महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आया था और एक पूरी बड़ी सेना ने, एक पूरी राष्ट्र की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। और ये 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना की विजय गाथाओं को याद करने का दिन है। और वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन भारत ने एक इतिहास रख दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री भी थी, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया था और रक्षा मंत्री थे उस समय जगजीवन राम जी। और भारतीय सेना के सैन मानेकशॉ साहब, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा साहब और जनरल कुंदन सिंह साहब के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई और उसके ऊपर, यदि अखिलेश जी आप इजाजत दें तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जी अखिलेश जी, आप बता सकते हैं। अखिलेश जी, कर्नल जी, इसी के साथ यहां से शुरुआत करें आज के राशिफल की, तो राशिफल कैसा रहेगा? आज का राशिफल, जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि आज चंद्रमा जो ग्रह स्थिति है, चंद्रमा मेष राशि में है और राहु वृषभ राशि में है, मंगल और केतु वृश्चिक राशि में है, सूर्य और बुध धनु राशि में है, शनि और शुक्र मकर राशि में है। तो आज मेष सिंह और धनु राशि के लिए दिन संभवतः अच्छा रह सकता है, लेकिन वृषभ राशि के लिए दिन 2-6-10 यानी वृषभ शनि और मकर के लिए दिन संभवतः परेशानी भरा रह सकता है। 3-7-11 वायु तत्व की राशियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है और 4-8-12 यानी कर्क वृश्चिक और मीन राशि के लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे। ये विशेष है। जी अखिलेश जी, जी
यहीं से करना, अगर रुख करें कम्युनिटी बाजार की तरफ, तो कम्युनिटी बाजार में सबसे पहले आपसे एग्री कम्युनिटीज के ऊपर राय जानना चाहूंगा, सोयाबीन के ऊपर, क्योंकि सोयाबीन अब एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हर किसान जानना चाहता है कि कर्नल अजय जी की क्या राय है कि सोयाबीन में अभी रोक के चला जाए अपनी फसल को, अपने स्टॉक को, या निकाल के चला जाए। सोयाबीन में आगे तेजी रहेगी या मंदी रहेगी? जो लेवल्स हैं हाजिर के और वायदा के, वो कहाँ तक जाएंगे? कर्नल अजय जी, हमारे पास भी आपके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। जितनी भी बार आपने सोयाबीन पर अपनी राय दी है वो सत्य साबित हुई है, अब यहाँ से आगे क्या? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी दर्शक बंधु और कारोबारी जो हैं, एक किसान बंधु हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो प्यार सम्मान और आशीर्वाद हमें दिया है, उसके लिए मैं अब अखिलेश जी की तरफ से और मेरे स्वयं की तरफ से आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं। देखिए, सोयाबीन के ऊपर मैंने हमेशा से, इसलिए एक बात हमेशा से समझ लें कि सोयाबीन की तेजी और सोयाबीन की मंदी में भारत के किसी भी व्यक्ति का रोल नहीं है जी, ना किसानों का है और ना सरकार का है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि फिर रोल किसका है, क्योंकि किसान ने उत्पादन किया 1,19,000 टन, 1,119,000 टन की बात हुई, जिसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा, लेकिन कुल मिला के तेजी मंदी का जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए बिल्कुल निश्चित और क्लियर आंसर यही है कि अंतरराष्ट्रीय भावों के अंदर उतार चढ़ाव का पूरा और पूरा असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि भारत लगभग 55%, यानी भारत सिर्फ 45% खाद्य तेलों पर के का उत्पादन करता है, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, या और कोई ऑयल सीड हो। 55% आयात पर निर्भर है भारत। अब जब 55% आयात पर निर्भर है भारत, तो सोयाबीन की तेजी और मंदी का कोई मतलब नहीं निकलता कि हमारे आंकड़े क्या कहते हैं और हमारे आंकड़े क्या नहीं कहते हैं। एक दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोयाबीन की तेजी, पाम ऑयल की तेजी, या पाम ऑयल की मंदी, या सोयाबीन की मंदी का पूरा पूरा असर तुरंत भारतीय बाजारों पर पड़ता है जी। एक दूसरा बिंदु जो आप समझ लें, सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यदि दिसंबर के आंकड़े देख लें, नवंबर के आंकड़े देख लें, जनवरी के आंकड़े देख लें, तो दिसंबर के अंदर हमेशा से ही वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है। ये हमारे यहां नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी, आप पिछले 10, 12, 15 साल के यदि आंकड़े निकाल लें, उनके उतार चढ़ाव को देख लें, तो दिसंबर माह के अंदर हमेशा से ही अत्यधिक वॉलिटिलिटी रहती है। और एक और मैं बिंदु ऐड करता हूं सोयाबीन की तेजी और मंदी के लिए, आप भारतीय रुपया की तेजी मंदी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भी इन बाजारों को तेजी मंदी में फर्क डालती है। अब होता क्या है कि जो भी पेमेंट होना है इंपोर्ट का, वो सारा पेमेंट डॉलर में होना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर यानी यूएसडी के अंदर। भारतीय रुपया कमजोर, माल तेलों पे फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। भारतीय रुपया मजबूत, इंपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। यदि पिछले 3 दिन से यदि आप देख लें अखिलेश जी के, जिसका मैंने आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले भारतीय रुपया की जानकारी इसलिए मैंने दर्शकों को दी थी, ताकि एक इशारा दिया था, भारतीय रुपया पिछले 75 रुपए 65 पैसे के खिलाफ 76 रुपए 30 पैसे 76 रुपए 35 पैसे तक की गिरावट दिखाई दी, यानी लगभग 50 से 60 पैसे की गिरावट यानी कमजोरी भारतीय रुपया में अमरीकी के डॉलर के मुकाबले देखी गई। और इसका असर जो आया वो कल आपको बाजार में और आज नजर आ रहा है। तो जब जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा अमेरिकी डॉलर के खिलाफ, वो भी एक प्रमुख बिंदु माना जाता है प्राइसिंग निकालने के लिए। तो ये 3-4 बिंदु को यदि आप ध्यान से देखेंगे
तो वो सकारात्मक रुख सोयाबीन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आज मुझे सोयाबीन के अंदर और सोया ऑयल के अंदर एक तेजी नजर आ रही है। अभी सोया ऑयल के ऊपर भी एक कदम आगे चल के हम विश्लेषण कर लें तो पिछले कई महीनों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोया ऑयल, सोयाबीन की तो तेजी हो गई थी लेकिन सोया ऑयल के अंदर यदि हम देखें तो यदि हम लोग 3-4 दिसंबर से देख लें और आज 16 दिसंबर है तो 3-4 दिसंबर को 1980 का भाव यदि आपने एनसीडीएक्स पे देखा हो तो 1980 का 3 तारीख का भाव है 3 दिसंबर का आप देख लें और वो 1980 का जो भाव था वो बढ़कर 2032 हुआ इन दिनों और 2032 को जैसे ही वो टच हुआ मतलब 1980 से 2032 के बीच में लगभग ये 25% की तेजी थी और उसके बाद में 2032 का जब सोया ऑयल टच हुआ एनसीडीएक्स के ऊपर उसके बाद फिर मंदी बनी और वो मंदी लगभग 25% जो 3 दिसंबर से और जो बनी थी 7-8 दिसंबर के आसपास तक वो उसके बाद में धीरे धीरे मंदी में परिवर्तन हुई। जो 25% की तेजी थी वो 25% की मंदी में बदल गई और आप देखें कि यदि कल जो सोयाबीन में कई 2 दिन के अंदर जो सोया ऑयल के अंदर जो बेताशा मंदी बनी एकदम से कि 2000 का लेवल तोड़ते ये 1980 और 1960 और ये जो 1955 तक ये एकदम से टूटा तो ये जो 25% का तेजी और मंदी का गैप था वो जैसे ही वो लोअर भाव में आया 25% ऊपर से 2032 से जो सोया ऑयल 25% गिरावट आई और वहां से तुरंत उसने बाउंस बैक किया और अब फिर ये मजबूती आ गया। तो ये 25% का जो ब्रैकेट जो है टेक्निकल जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सोया ऑयल के जो कारोबारी हैं क्योंकि ये इस शो को सोया ऑयल के प्लांटर जो प्लांट से डिलीवरी ले रहे हैं दे रहे हैं उन वो भी बहुत बारीकी से देखते हैं और काफी ये हमारे पास रिक्वेस्ट भी आई कि सर सोया ऑयल के ऊपर आप थोड़ी सी चर्चा करें। ये कोई भी इसके ऊपर चर्चा किसी भी जगह नहीं हो रही है कि 25% की तेजी के बाद भी कोई चैनल इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है या 25% की गिरावट के आने के बाद भी सोया ऑयल के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मैं मार्केट टाइम्स के दर्शकों के लिए एक विशेष एपिसोड बने ये हमारी धारणा है ये हमारी भावना है और इसका फायदा किसानों को भी मिले मिल ऑनर्स को भी मिले प्लांट चलाने वालों को मिले क्योंकि जब तक सब हम एक साथ नहीं कमाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है किसी भी शो का। तो सोया ऑयल की जो मूवमेंट बन रही है वो 25% की ऊपर की रैली और 25% नीचे की रैली की जो बन रही है और मुझे लगता है कि अब तो अब इसके अंदर सोया ऑयल के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं आज जी अखिलेश जी। जी तो यानी कि सोयाबीन में तो कर्नल अजय जी तेजी की तरफ है ही है प्लस सोया तेल में भी कर्नल अजय जी तेजी की ही तरफ है जैसा कि उन्होंने अभी इसका विश्लेषण भी किया है। इसे कर्नल अजय जी देख रहे हैं कि ग्वार में अचानक से तेजी उठी है ग्वार के अंदर अचानक से तेजी आई है चाहे ग्वार सीड हो चाहे ग्वार गम हो आपको क्या लगता है क्या ये अच्छा संकेत है ग्वार के किसानों के लिए कि अब यहाँ से तेजी शुरू हो गई है या फिर यहाँ पर अभी संभल कर चलने की जरूरत है। बहुत अच्छा सवाल है अखिलेश जी आपका ग्वार कॉम्प्लेक्स के ऊपर। देखिए जब तक आप फंडामेंटल नहीं पकड़ेंगे और तो टेक्निकल्स नहीं पकड़ में आएंगे। गवार के अंदर 2 दिन पहले लगातार बहुत उठाव उठपटक चल रहा था अब लास्ट के 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर एकदम से ऊपर के सर्किट में लग गए थे। लोगों ने शिकायत की कि साहब ऐसे कैसे हो रहा है 1700 1800 का एकदम से मूवमेंट आ जाना और वो कुछ ही लोगों के द्वारा आ जाना ये एक क्या एक ये संकेत है। लेकिन देखिए ये व्यापार है ये बाजार है इसके अंदर तेजी के भी सर्किट लगेंगे और नीचे के भी सर्किट लगेंगे लोअर सर्किट भी लगेंगे। आप देखिए यदि आप इडेबल ऑयल की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रुचि सोया 3-4 रुपए का जो शेयर वो 1100 रुपए और 1600 रुपए तक पहुंच जाता है जो कंपनी दिवालिया होती है उस कंपनी को कोई बाबा रामदेव खरीदते हैं वो भी लोन लेके
जिसके 98% 99% शेयर्स बाबा रामदेव के पास हैं रुचि सोया के, वो अप्लाई करके बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद में एक तरफा बाजार चलता है और वो शेयर जो 3-4-5 रुपए का शेयर होता है वो 1100 और 1600 रुपए तक पहुंच जाता है। जो कंपनी दिवालिया होती है 1200 करोड़ 1300 करोड़ की है और वही कंपनी आज 31,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है, उसके ऊपर कोई भी बोलने को तैयार ही नहीं है। और जब सर्किट लगते हैं कभी कमोडिटीज के ऊपर जो ज्यादातर डिमांड एंड सप्लाई के खेल होते हैं तो उसके ऊपर सब लोग बात करने लगते हैं। अब पॉइंट ये है, यदि तेजी आती है तो फायदा किसको हो रहा है? निश्चित रूप से फायदा जिनके पास माल है उसको होगा, किसानों ने जिनके पास माल है उनको फायदा होगा, कारोबारियों को जिन्होंने माल रोक के रखा है उनको फायदा होगा। 5 से 8 साल तक का जब माल रुक रहा है उसका गोदाम का किराया, किसानों के ब्याज भाड़ा, व्यापारियों का ब्याज भाड़ा, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब आपके पास फसल 1/3 से ज्यादा नहीं है और उसके बाद आप नीचे की तरफ माल ले आते हैं तो उसका खामियाजा क्या है? दूसरा चीज कि जब आपने NCDX के अंदर माल बिकाया तो आपको डिलीवरी भी देनी पड़ेगी और NCDX के ऊपर एक स्टैंडर्ड क्वालिटीज की ही डिलीवरी एक्सेप्ट होगी, बाकी नहीं होगी। जब माल बाजार के अंदर कम है तो खरीदना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी और डिलीवरी आपके पास है नहीं तो फिर आप कहां से लाओगे? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी चीज एक और मैं अखिलेश जी आपको कहना चाहता हूं, गवार सीड एक बहुत छोटी कमोडिटीज है और बहुत सीमित दायरे में इसका काम होता है जी। ये सिर्फ राजस्थान यानी स्पेशली पश्चिमी राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें और गुजरात के कुछ हिस्सों की बात कर लें, ये 3 राज्यों में इसकी छोटी पैदावार है और सबसे ज्यादा पैदावार तो पश्चिमी राजस्थान में है और इसके जो कारोबारी भी है वो इन्हीं राज्यों के अंदर हैं ज्यादातर। मेटेरियल भी यानी गवार सीड की अवेलेबिलिटी भी इन्हीं राज्यों में है, इसके अलावा है नहीं। तो और भारत इसका प्रमुख निर्यातक देश है। तो ये जो अमूनन जो छोटी कमोडिटीज होती हैं उसके अंदर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, उसमें ऐसा कोई चमत्कार भी नहीं है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन गवार सीड के अंदर जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, जो किसान बंधु हैं जिन्होंने अच्छे दाम के लिए माल रोका हुआ है, मुझे लगता है कि वो निराश नहीं होंगे। यही मेरा कहना है, बाजार उतार और चढ़ाव होते रहेंगे, वो उसकी फितरत है, वो उसकी खासियत है, वो होगा रात और दिन और दिन और रात, मंदी और तेजी, तेजी और मंदी। लेकिन ये निश्चित है कि जो भी गवार सीट कमजोर हाथों में था, जिनको जरूरत थी पैसे की, जो वो बाजार में ला चुके हैं, अब धीरे 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 गवार सीट का स्टॉक सिर्फ उन लोगों के पास बचेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटे या मझोले या बड़े कारोबारी हो, जो माल को होल्ड करने की शक्ति रखते हैं वो उन्हीं के पास माल बचेगा और वो किसी कीमत के ऊपर छोटी प्रॉफिट के अंदर माल नहीं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और काफी लोग गवार सीड के जो विक्रेता हैं, गवार सीड के जो व्यापारी हैं, गवार सीड के जो किसान हैं, उनसे भी मेरी बात अक्सर होती रहती है, तो उनका भी यही कहना है कि हमें अच्छे मुनाफे की तलाश है और वो मुनाफा हमें लेना है और अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ये उनका एक मोटे तौर पे उनका जवाब है। तो यही मेरा कहना है कि आज गवार सीड और गवार गम के अंदर तेजी की पूरी पूरी संभावना बन सकती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। जी अखिलेश जी, जी जी, यानी कि गवार सीड में भी तेजी की संभावना बन सकती है। कर्नल जी ने काफी अच्छा विश्लेषण किया है इसका, कंपनीज के बारे में भी बताया है, पूरी एक तरह से एक स्टोरी के रूप में आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ग्वार गम ग्वार सीड के बारे में कि तेजी क्यों हैंडल हो पाती है इसकी, क्योंकि काफ़ी छोटी कम्युनिटी है। छोटी कम्युनिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही सीमित दायरे में इसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं है जहाँ पे हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता हो, बहुत ही सीमित दायरे में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ही सीमित जगहों पर इसका उत्पादन होता है और भारत प्रमुख निर्यातक है इसका ग्वार का। तो जो इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो सट्टेबाजी की जो होती है इसमें एक्टिविटीज़, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा और बड़े पैमाने पर देखने को इसलिए मिल पाती है। लेकिन कर्नल अजय जी के मुताबिक ग्वार सीड में आगे तेजी की संभावना बनती नज़र ज़रूर आ सकती है। ये से कर्नल अजय जी बात करें अगर नॉन एग्री में,
तो नॉन एग्री में यूएस फेड की बैठक के बाद आपको क्या लगता है, अब सोने चांदी की चाल कैसे रहेगी? अखिलेश जी, आपको याद होगा यही सवाल आपने मुझसे कल किया था जी, और मैंने आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में यही कहा था कि मुझे बुलियन के अंदर मजबूती नजर आ रही है, सोने और चांदी के अंदर मजबूती नजर आ रही है। जो वॉलेटिलिटी पिछले दो दिन में देखी जा रही है, उसका मुझे लगता है कि अच्छा मूवमेंट बनेगा, तेजी बनेगी और उसकी पूरी पूरी संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं। और आप देख लीजिए, ओवरनाइट जो बोर्ड ने एकदम से हमारा जो कि 1770 1768 से एकदम से इसने जबरदस्त मूवमेंट की, और कभी ने भी जबरदस्त मूवमेंट की, उसे उम्मीद है कि मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु जो भी बारीकी से हमारा शो देखते हैं उनको पूरा पूरा लाभ हुआ होगा। 265 रुपए गोल्ड में तेजी है और 1267 रुपए चांदी में तेजी है, और गोल्ड $1782 क्रॉस कर गया है। तो उम्मीद है कि मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु जो कि बहुत क्लोजली इसको देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, सोना चांदी हो या कॉपर हो, एल्युमिनियम हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हो, शेयर बाजार हो या फिर एग्रो जींस हो, उसके अंदर आज उम्मीद है कि उन्होंने भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। जी अखिलेश जी, जी तो यार कर्नल जी ने हमें कल ही बता दिया था कि यूएस फेड की बैठक के बाद सोने चांदी की कीमतों में तेजी बन सकती है, वो बिल्कुल पॉजिटिव थे इस चीज को लेकर, और आज हम बिल्कुल वैसा होते हुए देख भी रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में दोनों में ही सोने चांदी की कीमतों में तेजी बखूबी बनती नजर आ रही है। कर्नल जी, हमने सोने चांदी के साथ साथ यहाँ पे बेस मेटल्स में भी निचले स्तरों से खरीदारी आते देखी है, बेस मेटल्स में भी चमक बनते देखी है, आपको क्या लगता है अब बेस मेटल्स में कैसा रुझान रहेगा? बेस मेटल के अंदर मैं कॉपर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करता हूँ। कॉपर ने कल देखिए कि 720-21 तक के भाव दिखा दिए थे नीचे, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मूव जो कॉपर के अंदर बना है और इसने लगभग 15-17 रुपए एकदम से मूवमेंट दे दिया है, तो ये एक अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी की संभावना आज भी जारी रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन सकती हैं, और विशेषकर यदि हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट भी देख लें कि कल जैसे यूएस मार्केट ने बाउंस बैक किया और अच्छी मूवमेंट दी, उसका नतीजा हमें बाजारों में पूरे इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहा है, और आज एक देश की जो चेंजेज है उसका पूरा पूरा असर पूरे ग्लोब यानी पूरे विश्व में पड़ता है, और इंटरनेट ने की क्रांति ने हम सबको पल पल की खबर एक दूसरे तक पहुंचाने का जो ये अद्भुत साधन दे दिया है, मुझे लगता है कि इसका पूरा पूरा फायदा दर्शक भी उठा रहे हैं, हम और आप भी उठा रहे हैं, और आप देखिए कि पूरे बाजारों की एकदम से जो मूवमेंट होती है वो कुछ ही पलों में पूरे वर्ल्ड में एक साथ स्प्रेड हो जाती है, और ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत शुभ और संकेत है, क्योंकि पहले जो था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या जो भी विश्लेषण था उसका पूरा प्रसारण नहीं हो पाता था, पूरी जनता इसका लाभ नहीं उठा सकती थी। आज आमो खास हो, विशेष व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, मिलर हो, प्लांटर हो, ये सब आज फायदा उठा रहे हैं, साथ साथ में एक आम जनता भी, एक छोटा से छोटा किसान भी, चाहे वो बाड़मेर के छोटे से इलाके में बैठा हो, शिव तहसील में बैठा हो, या बाड़मेर के अंदर जलीपा के इलाके में बैठा हो, या जैसलमेर के अंदर लाठी नाम की जगह पे बैठा हो, या बाप नाम की छोटे छोटे गाँव है वहां पे बैठा हो, या लेह लद्दाख हो, या साउथ के अंदर या दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी बैठा हो, सब लोग एक साथ एक सेकंड के अंदर देख लेते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जी, यही से करने लगे जी, बात करेंगे शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आज कैसा रुख देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव रहेगा या उठापटक रहेगा, और किन शेयरों में आज काफी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जैसे कल हमने कहा था कि आपको कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो गिरावट है उसका फायदा उठाना चाहिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर तेजी होगी, और आज देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी ने शानदार मूवमेंट दे दिया है, और ये कल जो हमने स्टॉक्स बोले थे आपको HDFC बैंक, HDFC, ये सभी अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं और शानदार मूवमेंट ये दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज शेयर बाजार के अंदर अच्छी तेजी बन सकती है। और लेकिन एक चीज मैं आपको दोबारा भी एक शेयर बाजार के लिए आपको कहूंगा कि तीन तरह के ट्रेडर शेयर बाजार के अंदर कामयाब हैं, या तीन तरह के लोग हैं इन्वेस्टर जो लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
ट्रेडर्स जो सीमित अवधि के लिए ट्रेड करते हैं और एक स्विंग ट्रेडर्स हैं जो 3 से 5 महीने की अवधि के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तीनों के लिए फार्मूले अलग हैं, तीनों के लिए शेयर्स अलग हैं, तीनों के लिए स्ट्रेटेजी यानी रणनीति अलग है। तो आज जो लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि उनको हमेशा गिरावट में मान लेना चाहिए। स्विंग ट्रेडर्स हैं जो कि सीमित अवधि और 2 से 3 महीने के हिसाब से ट्रेड करते हैं और 3 से 5% की अच्छे स्टॉक्स के अंदर मुनाफा की तरफ देखते हैं, उनको मान लेना चाहिए। उसके अंदर तेजी की संभावना है। निफ्टी ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दे दिया है जैसे ही 17,285 के आसपास, और ये जैसे ही 17,350 करेगा तो ये 17,500 के लेवल के ऊपर भी पहुंचने में टाइम नहीं लगाएगा। और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अंदर आज मैं नजर रखना चाहूंगा, तो जो आपको कल हमने सरकारी क्षेत्र की कंपनियां बताई थी सभी ने अच्छी मूवमेंट दी है, उसके अंदर आज आप नजर रखें। डॉक्टर रेड्डी पर नजर रख सकते हैं, इसके अतः ONGC पे नजर रख सकते हैं, रिलायंस पे नजर रख सकते हैं, NHPC एक बहुत बढ़िया स्टॉक है उसके ऊपर भी रख सकते हैं, NTPC सरकारी क्षेत्र की ऊर्जा की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, पावर जनरेशन की जो कंपनी है उसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। ONGC के अंदर भी अच्छी मूवमेंट की संभावनाएं बन रही है, उसके अंदर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेटीएम ने कल अच्छा गिरावट दी थी, उसको भी आप नजर में रख सकते हैं क्योंकि पेटीएम ने बैंक बन गया है तो अब सारी बैंकिंग सुविधाएं भी उसको उपलब्ध होगी, उसको भी आप नजर में रख सकते हैं। इसके अलावा एक पिडिलाइट इंडस्ट्री के ऊपर मैंने आपसे चर्चा की थी कि ये फेविकोल बनाने वाली कंपनी है और मार्केट लीडर है, तो इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। जैसे रिलायंस के ऊपर कल कहा था, आज भी कहा है 11-12 रुपए ऊपर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कल हमारा स्टॉक था, उसमें आज तेजी बढ़ सकती है। इन सभी स्टॉक्स के अंदर यदि आप नजर रखेंगे, और ये सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई इसमें छोटा शेयर नहीं है, सारे जो कंपनियां हैं वो 500 करोड़ से ऊपर की बड़ी कंपनियां हैं और ये मार्केट को चलाने वाली कंपनियां हैं, तो इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं और इसके अंदर टाइमली प्रॉफिट बुक कर लें यदि आप छोटी अवधि के खिलाड़ी हैं। तो ये अखिलेश जी, जी तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।